आपको बताएं, लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब पेट्रोल पंप में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आपको बताएं कि लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब पेट्रोल पंप में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे बुरहानुद्दीन वहां पर मौजूद हैं। बुरहानुद्दीन, बताइएगा कि आग भड़कने की वजह क्या रही? अजी, इस ठोकर के करीब एक गैस स्टेशन के अंदर जो है आपसे थोड़ी देर पहले एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे के अंदर पूरा पेट्रोल पंप है जो है वहां पर आग भड़क उठी है। रेस्क्यू जलाई की जानिब से बताया गया है कि पेट्रोल पंप पर मौजूद एक गैस सिलेंडर में लीकेज के बाइस सिलेंडर में आग भड़की, जिसने चंद ही लम्हों के अंदर पूरे पेट्रोल पंप को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से इस वक्त इलाके में काफी ज्यादा जो है खौफ खराश पाया जा रहा है। चूंकि पेट्रोल पंप पर आग लगी है और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये आग दाएं बाएं की इमारतों को भी अपनी लपेट में ले ले। इसी मुनासबत से जो पुलिस की भारी नफरी है इस वक्त में मौके पर पहुंच चुकी है, ताकि अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल में किया जा सके। इसके साथ ही रेस्क्यू जराये की जानिब से कंफर्म किया गया है कि ठोकर के नजदीक जिस पेट्रोल पंप पर आग लगी है वहां पर तकरीबन 70% आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन मामला यह है, चूंकि पेट्रोल पंप पर आग लगी है, जिसकी वजह से अभी तक कोई भी चीज कंफर्म नहीं की जा सकती कि कितनी देर के अंदर इस आग पर बकायदा तौर पर मुकम्मल काबू पाया जा सकेगा। अलबत्ता फायर टेंडर्स की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू अहलकार वहां पर मौजूद है और वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ। जी, बहुत शुक्रिया, बुरहानुद्दीन हमारे साथ थे।